आईटी भी देख लीजिए और स्कूल की भी देख लीजिए कल्चर कितना डिफरेंस है. दे आर मोर रूड एंड वी आर मोर नाइस. नो वी आर मोर डायरेक्ट. नो भैया इतना डायरेक्ट मत हो लोगों के कलेश हो जाए. भाई आगे चलो. ये पति पत्नी नहीं है कि बहुत डायरेक्ट पत्नी के साथ डायरेक्ट हो ही नहीं सकता. अच्छा दोस्तों इसी से हम रखते हैं यहाँ पे. थैंक यू वेरी मच. भाई रुक जाओ मुझे खत्म करना है. ब्लॉग मेरा है कुछ भी रखते फोन थोड़ी काट रहे हो. ये फोन रख रहे हैं. गाइज नमस्कार. जय माता दी एंड वेलकम टू माय ब्लॉग. आई होप आप सब अच्छे होंगे. तो सुबह मैंने ब्लॉग नहीं शुरू किया था और रीजन यही था कि मुझे लगा कि आज मैं शाम को ब्लॉग शुरू करूंगी और उसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी. वो मेरे हस्बैंड से चाहिए थी क्योंकि मुझे इस बारे में इतना पता नहीं जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देने की सोच रहे हैं क्योंकि ही वर्क्स इन ऑफिस एंड आई वर्क इन स्कूल. तो स्कूल का सिस्टम टोटली डिफरेंट होता है देन ऑफिस कल्चर. तो आज जो हम डिफरेंस दिखाने वाले हैं वो दिखाने जा रहे हैं कि जो इंडिया का कल्चर है वर्किंग ऑफिसर्स में और जो यूएस में वर्किंग कल्चर है ऑफिस में. तो दिस इज व्हाट वी गोना टॉक अबाउट आई थिंक. एंड ज्यादातर यही बोलेंगे और यही बताएंगे बिकॉज ऑफिसेस में ये काम करते हैं और मैं स्कूल में काम करती हूँ. तो स्कूल में तो रोज सेम जॉब है 8 to 3 और मैं इंडिया छोड़े मुझे काफी टाइम हो गया. तो आई डोंट नो कि इंडिया में अभी काफी चेंजेस आई एम श्योर स्कूल में आए होंगे. तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट स्कूल सिस्टम बट डेफिनेटली वी गोना टॉक अबाउट ऑफिस कल्चर क्योंकि ये इंडिया के टीम के साथ भी काम करते हैं और यहाँ की टीम के साथ भी काम करते हैं. तो आई थिंक ही कैन क्या गिव अ बेटर पर्सपेक्टिव. चलिए अभी ये आपको ज्यादा बता पाएंगे तो चलिए इन्हीं के साथ शुरू करते हैं और मैं बीच बीच में ज्वाइन करती रहूंगी. तो नमस्कार दोस्तों, जैसे शिल्पा ने कहा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इसका आइडिया भी यही आया कि जो पिछला वीडियो बनाया था हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया. अच्छा रिस्पॉन्स आया जो भी देख रहा है उसको काफी पूरा वीडियो देख रहा था कि पूरी इन्फॉर्मेशन मिले. तो हमने सोचा कि बीच बीच में हम आपके लिए क्योंकि हमें यहाँ पे कितने 14-15 साल हो गए हैं यूएस में तो हमें काफी कुछ पता लग गया है अगेन अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस के साथ, अपने बच्चों के एक्सपीरियंस के साथ. तो हम ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो लाते रहेंगे. तो आज का शिल्पा सेट कि वर्क कल्चर इन इंडिया वर्सेज यूएसए. और मैं पिछले 14 साल से काम कर रहा हूँ बहुत ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे बहुत इंडिया के साथ काम करता हूँ, यूएस के साथ काम करता हूँ. तो आंसर ये देते जाएंगे आपको कि मैं इनसे पूछूंगी कि क्या डिफरेंस है उसमें. इनसे पूछने जा रही हूँ एक एक करके. 5 एरियाज कवर करेंगे क्योंकि एरियाज तो बहुत सारे होते हैं. तो मेनली एरियाज हैं वो है कम्युनिकेशन स्टाइल, वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क रिलेशनशिप, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एंड वर्किंग आवर्स. डेफिनेटली ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं. वो हर जगह ही होते हैं कि कल्चर कैसा है भाई, टाइमिंग्स क्या है, रिलेशनशिप क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पे, और वर्क लाइक बैलेंस क्या है, और कम्युनिकेशन ऑफकोर्स. चलिए ठीक है अभी मैं स्टार्ट करती हूँ. सबसे पहले द फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन स्टाइल. गजत के साथ शुरू करती हूँ ठीक है. तो बीच बीच में ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सीरियस हो, क्या आपको पता है मैं इतनी सीरियस रहती नहीं हूँ लाइफ में. तो कम्युनिकेशन स्टाइल, लेट्स स्टार्ट दैट. तो आई थिंक उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ना, इंडिया में थोड़ा इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, हायरार्की मेंटेन एनफोर्स हो जाती है. आई थिंक वो हमारा कल्चर है. और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट उसमें ये भी है कि बहुत कोलैबोरेटिव. मुझे याद है हम लोग चाय पे काफी चीजें सॉल्व कर लेते थे राइट. यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत लिटिल मोर फॉर्मल है बट बहुत डायरेक्ट है राइट. और हायरार्की बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं होती है. तो हायरार्की क्या होती है वैसे मुझे भी नहीं पता. हायरार्की होती है कि बॉस ने क्या कहा, बॉस के बॉस ने क्या कहा वैसे राइट. इंडिया में हायरार्की ज्यादा चलती है, यहाँ पे कम चलती है. और एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वो. बट जैसे वहां पे हमारे में नेचुरल कोलैबोरेशन है, आई वुड से यहाँ पे थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है कोलैबोरेशन के लिए. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या गलत क्या सही, दोनों सही है. बहुत दोनों के अपने अगेन कल्चर प्लेज अ रोल राइट. हमारा जनरल कल्चर प्लेज अ रोल इन द वर्क कल्चर आल्सो. तो दैट्स अ प्राइमरी डिफरेंस. और यहाँ पे हम ये नहीं दिखा रहे कि ये बेहतर है वो बेहतर है. हम बस आपको ये बता रहे हैं कि ये कल्चर डिफरेंस है. हम प्लीज ये जज मत करिएगा कि अरे आप यहाँ पे रहते हो तो आप यहाँ का बेहतर दिखा रहे हैं, वहां पे नहीं रहते. तो ये हम नहीं करना चाह रहे. हम बस आपको ये बता रहे कि हमें यहाँ पे 14 साल हो गए और ये इंडिया में भी काम करके आए. तो वट वी आर ट्राइंग टू से बस आपको दिखाने चाह रहे हैं कि वर्क डिफरेंस और कम्युनिकेशन डिफरेंस, वर्क प्लेस डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस, इट्स जस्ट अ इन्फॉर्मेशन विच वी आर ट्राइंग टू गिव. तो दूसरा चीज है वर्क इन पॉइंट इज जो हम कवर कर रहे हैं वो है वर्क लाइफ बैलेंस. जो
आई थिंक इंडिया में हम लोग आई थिंक काम यू नो एक हम लोग मजाक करते थे, काम ही मेरी पूजा है, पूजा ही मेरा काम है, राइट? तो आई थिंक हम लोग काम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ऐसा नहीं यहाँ नहीं देते, बट वहाँ पे हम लोग कई बार काम के लिए पर्सनल लाइफ छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हम लेट आवर्स काम करते हैं तो लार्ज, राइट? बट यहाँ पे बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस मजबूरी भी करना पड़ता है, क्योंकि आपका पर्सनल काम करने के लिए कोई और नहीं आएगा, वहाँ तो हेल्प है, तो यहाँ पे अगर आपको 5 दिन तक काम करना है, उसके बाद जाके बच्चे को पिक करना है, कहीं लेके जाना, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो इसलिए आई वुड से कि वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है कंपेयर टू हमारे कंट्री में, यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास और हेल्प अवेलेबल है। और मैं आपको इस चीज पे बताती हूँ, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला कि 5 बजे के बाद बच्चे को पिक करना, अब मैं इस चीज पे बोल सकती हूँ कि मैं स्कूल में काम करती हूँ, तो हमारा स्कूल फिनिश हो जाता है 3:10 पे, बट उसके बाद स्कूलों में आफ्टर स्कूल प्रोग्राम इसीलिए बनाए गए हैं ताकि पेरेंट्स को एक एक्स्ट्रा आवर मिल जाए। पॉइंट इज वर्क रिलेशनशिप। आई थिंक वर्क रिलेशनशिप में इंडिया में हमारा आई थिंक ऑफिस के साथ साथ अब मैंने बहुत नोटिस किया कि हमारा पर्सनल भी कनेक्शन हो जाता है, हम लोग ऑफिस के बाहर भी मिलते हैं, आई थिंक वर्क और पर्सनल लाइफ काफी दोस्त बन जाते हैं, मिक्स हो जाती है। तो एम्फेसिस होता भी है कि रिलेशनशिप बनाने हैं, क्योंकि उसके बिना काम भी नहीं चलता। जैसे मैं पहले एग्जांपल में बोल रहा था कि हम चाय पे कई चीजें सॉल्व कर लेते थे, और मैं टेक्नोलॉजी से हूँ तो कोई इशू फंसा हुआ है तो हम चाय पे जाते थे, डिफरेंट पॉइंट होता था अंदर ऑफिस में कि हमको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, पर देन वहां पे जाके एक हारमोनी बन जाती है और आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, राइट? तो वहां पे आई थिंक रिलेशनशिप बाय डिफॉल्ट कल्चरली हमारे यहाँ पे ऑफिस वाले बन जाते हैं, हाँ दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा टास्क ओरिएंटेड रिलेशनशिप है, अगर आप लार्ज, अगेन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी नहीं बनते दोस्त, बनते हैं, बट इट्स मोस्टली यू कन्फाइंड टू वर्क, स्पेशली ऐसा नहीं है कि आप हर हफ्ते मिल रहे हो वीकेंड पे, बट यूएस कल्चर की बात कर रहा हूँ, राइट? तो वहाँ यहाँ पे मोस्टली कन्फाइंड टू वर्क, टास्क ओरिएंटेड, आपने काम किया, आपने अच्छे मिलजुल के काम किया, और अपने काम से काम रखना ना, हाँ मतलब आप ये कह सकते हो काम से काम रखना। दूसरी चीज आई थिंक लोग बहुत बिजी हैं, मुझे ये लगता है यहाँ पे लोग बहुत ही ज्यादा बिजी हैं, तो ये भी फर्क है। शायद इंडिया में हम लोग थोड़ा चिल कर लेते थे, नहीं काम के बाद आदमी मिल लेता है, यहाँ भी मिलते हैं बट इतना ज्यादा नहीं है, तो ये है क्योंकि और घर में जाके इतना काम पड़े होते हैं, स्ट्रेस बहुत, स्ट्रेस लेवल थोड़ा यहाँ पे ज्यादा है, वो मैं यहाँ पे ज्यादा है बोलूंगी, स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा ही है, पैसे हैं ज्यादा पर उसके साथ स्ट्रेस भी ज्यादा ही है। तो चलिए अब चौथा जो पॉइंट है वो है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। अरे इंडिया में हमारा डाइवर्सिटी वही है कि भैया दुनिया भर के अलग अलग कल्चर के लोग है ना, तो इंडिया में डाइवर्सिटी की बात करें तो अलग अलग एथनिक, अलग अलग भाषाएं, क्योंकि हमारा देश ही इस मामले में बहुत खूबसूरत है कि हम इतने सारे कल्चर, इतनी सारी एथनिसिटी अपने देश से आ जाती है, राइट? नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, तो इंडिया में डाइवर्सिटी इस तरह से होती है, राइट? यहाँ पे इट्स मोर डिफरेंट कंट्रीज के लोगों के साथ डाइवर्सिटी होती है, and I know woman diversity is one factor but I'm not talking about that, right? So you have, you know, diverse workforce come from Africa, Asia, Russia, Europe, so yeah, Mexico, yeah, but so yeah, ki kya wo to again jo wahan pe jab office jaoge to tumko milenge andhra ka log banda, kerala se bande, yahan pe jo hum india mein reh rahe hai na, jo ha yahan pe aap jaoge ek hi office mein aapko alag desh ke log milenge, wo bahut bada farak hai. Jaise schoolon mein hum kaam karte hain to wahan pe indian bhi hain, wahan pe us americans bhi hain, wahan pe chinese bhi hain, korean bhi hain, wahan pe bahut alag alag countries ke hamare desh mein, to yahan pe wahan pe hamari national diversity jyada hai, yahan pe international diversity jyada hai. And at some point I would say it's not easy actually, agar aap different culture ke sath shuru mein jab kaam karte ho थोड़ा मुश्किल होता है आपको, बहुत मुश्किल होता है स्कूलों में काम करना, हमारी भाषा अलग होती है, हमारा एक्सेंट अलग होता है, यहाँ पे थोड़ा अलग होता है, स्पेशली पीपल लाइक मी जो हम भैया हिंदी मीडियम से पढ़े और हमारा इंग्लिश एक्सेंट बहुत अलग है और जो यहाँ का है। बट एक चीज का अच्छी बात यह है कि जजमेंट नहीं आपको, मैं ये चीज बोलूंगी, मैंने कभी स्कूल में ये नहीं देखा कि अगर मेरी इंग्लिश गलत बोल भी रही हूँ मैं तो कोई जज नहीं करता, सबसे अच्छी बात है। अब यहाँ का कल्चर जो है स्कूलों में, मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ स्कूल में जो है कि अब ये कल्चर चेंज हो रहा है, अगर मैं कुर्ती भी पहन के गई हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहां अलाउड नहीं करते कि नहीं भाई हमारी तरह के कपड़े पहनो, बिल्कुल भी नहीं, दैट्स कॉल्ड डाइवर्सिटी, कि भाई अलग अलग कल्चर को भी एक्सेप्ट करना, यू नो अपने, और बच्चों को सिखाते हैं, यहाँ पे ऐसी ऐसी बुक्स आ गई हैं जिसमें इंडियन कल्चर के बारे में या डिफरेंट कल्चर, चाइनीज कल्चर या फिर
जितने भी अलग कल्चर हो, चाहे यू नो उसके बारे में हम बच्चों को बताते हैं हर स्कूल में, ईद के बारे में बुक पढ़ाई जाती है, दिवाली के बारे में पढ़ाई जाती है, चाइनीज न्यू ईयर के बारे में, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। चलो अब लास्ट पॉइंट है हमारा, आई थिंक मैं थोड़ा ज्यादा बोल जाती हूँ बट मैं क्या करूँ, दैट्स माय नेचर, व्हाट कैन आई डू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू। सो व्हाट इज द लास्ट वन? इट्स वर्किंग आवर्स। बिफोर मैं आपको बोलूं कि हमने ना थोड़ा प्रेप किया था ताकि हम बहुत ज्यादा इधर उधर ना जाएं, ताकि थोड़ा थोड़ा पॉइंटेड रहे, राइट? इसलिए नोट्स बनाए थे, स्क्रिप्ट बनाई थी मोटी थोड़ी बहुत। एंड वी आर नॉट प्रोफेशनल व्लॉगिंग, देखिए हम वो ही दिखाते हैं जो हम हैं, जो हमारा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, राइट? एक्सपीरियंस भी हम बहुत प्रोफेशनल आई वुड से नहीं है कि भाई हम बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म से बनाए या फिर लोग बोले कि भाई ये गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं बोलना, बट हम जैसे हैं वैसे ही दिखा रहे हैं और आई थिंक वैसे ही होना चाहिए व्लॉगिंग में। तो चलिए हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है वर्किंग आवर्स, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो आई थिंक इंडिया में अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस भी जाते हैं हम लोग, राइट, तो ऐसा नहीं सुबह सुबह शुरू हो जाता है लार्जली, राइट, 9-10 बजे आराम से शुरू होता है। और जो हमारा सेक्टर था, जिस सेक्टर से मैं आता हूँ, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज से या बीपीओ सेक्टर से या अदर ग्लोबल कॉर्पोरेट से, लेट शुरू होता है बिकॉज कस्टमर इज इन यूके, यूरोप और यूएस लार्जली, राइट? तो उनका हम काम ही देर रात 11-12 बजे खत्म भी लेट, हाँ 11-12 बजे तक चलता है, राइट? तो वो हमारा मैकेनिक्स हो गया हमारे कंट्री में काम करने का, वर्सेस यहाँ पे काम हम लोग सुबह 7 बजे शुरू कर देते हैं। मैं जो पिछली जॉब में था, मैं सुबह 6:30 बजे पहली कॉल लेता था, अब मैं 7 बजे लेता हूँ, 7:30 बजे लेता हूँ। तो यहाँ पे काम लोग 7 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं। अब इमेजिन कीजिए हम जर्सी में, न्यू जर्सी में रहते हैं और लोग सुबह 6 बजे की ट्रेन लेते हैं टू बी इन ऑफिस फॉर 7:30 न्यूयॉर्क, तो मट 5 बजे तक भाई सब बंद, क्योंकि घर जाके और काम करने, राइट? जैसे मैं पहले एग्जांपल ले रहा था, कुछ तो कुछ है आपका, मतलब अच्छी बात है टाइमिंग्स फिक्स्ड है, अगर उन्होंने बोला 5 बजे तो 5 बजे यहाँ पे काम बंद कर देंगे। दैट्स सिंपल थिंग, यही है कि अगर 7 बजे शुरू हुआ तो 5 बजे बंद हो जाना है। एक्सेप्शन हर जगह है बट मोस्टली वैसा है। इंडिया में थोड़ा देर से काम शुरू करते हैं, देर खत्म होता है, यहाँ पे शुरू कर जल्दी। और यहाँ के लोग ये भी है, सिर्फ टाइमिंग के बाद अलावा सोने का टाइम, लोग यहाँ पे 7:30 बजे तक डिनर हो जाता है। मेरी एक टीचर से बात हो रही थी तो कहती है, अरे मैंने कहा आप अपने बच्चों को कितने बजे सुलाते हो? My kids go to bed around 8-8:30 और maximum 9. मैं हमारे तो 9 बजे खाने का सोच रहे होते हैं कि भाई अच्छा खाना क्या बनना है, you know? और इंडिया में जब हम थे तो 9:30 तो हम लोग खाना शुरू करते थे शायद। तो दैट्स द कल्चर भाई, डिफरेंस है। यहाँ पे 6:30-7 बजे खाना मतलब हो जाता है। आई थिंक ये 5 एरिया से आज हमने बात की, आई थिंक दीज आर द इम्पोर्टेंट वंस, और बहुत चीजें हैं। बट हम आगे एक चीज ये भी लाने वाले, आई थिंक जो सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं कि यूएस कैसे आ सकते हैं, तो आई थिंक नेक्स्ट हम ये कवर करेंगे कि यूएस आने के क्या ऑप्शन है। और ये आईटी में काम करते हैं, और आईटी में काम करते करते कितने साल हो गए? आईटी में काम करते तो 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। आई थिंक अगर कोई आईटी में है, जो लोग हमारा ब्लॉग देखते हैं कि भाई आईटी की जॉब्स में आप क्या कर सकते हो, आईटी में कितने ऑप्शन है, तो वो डेफिनेटली आप प्लीज अगर हो तो कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो बस आई थिंक ये व्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं, बट आगे डेफिनेटली हम ऐसी इन्फॉर्मेशन चीजें जैसी हैं यहाँ पे जो हमारा एक्सपीरियंस है हम आपके साथ जरूर। तो कमेंट में बताइए कि और क्या, लाइक आई नो ऐसे वीडियो और भी लोग बनाते हैं, तो हमको बताइए और कैसे वीडियो बनाते हैं। तो मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताता हूँ यहाँ पे कि लास्ट में एंड करते हैं। मेक्सिको में हम रहे 1.5 साल काम किया। हम बता दें पहले सबसे पहले आए मेक्सिको थे, उसकी स्टोरी हम कभी किसी और ब्लॉग में बताएंगे कि हम आए कैसे। तो अब आप इमेजिन करो मेक्सिको में ऑफिस में कल्चर है आफ्टर लंच दे ब्रश इन ऑफिस। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, सुबह ब्रेक आप घर से आए ब्रश करके आए, ऑफिस में लंच के बाद ब्रश करते हैं और फिर ऑफकोर्स रात को जाके। अच्छी आदत है। अच्छी बात, बड़ा मुझे यूनिक लगा बिकॉज मैंने यूएस में नहीं देखा ऐसा, इंडिया में तो ऑफकोर्स मेक्सिको से देख रहा है तो आई थिंक दे कैन रिलेट। Yeah, that was good. अच्छा दोस्तों, इसी से हम रखते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। भाई रुक जाओ, मुझे खत्म करने दो, ब्लॉग मेरा है, कुछ भी रख ले, फोन थोड़ी काट रहे हो, ये फोन रख रहे। अच्छा ठीक है, इनको ना थोड़ा सा है, ही इज नॉट, ये लोग एक चीज बताऊं, जो आईटी वाले काम करते हैं ना, इनका ये मैं बताऊं कल्चर क्या डिफरेंस है जो हम स्कूल में करते हैं। माई गॉड, दे आर वेरी रूड। I don't say direct is the word. Direct नहीं, rude भी होता है यार, ये लोग कॉल ले रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि झगड़ है, वो कलेश हो के खत्म, मतलब कंपनी बंद हो जाएगी, मुझे तो ऐसा फील होता है। और अगर हम स्कूल में इस तरह की भाषा यूज कर दें, आई स्वेयर हम शायद अगले दिन जॉब में ही नहीं रहे। हमारे यहाँ बहुत पोलाइटली स्कूल में जो बात करते हैं ना, एवरी टाइम घर से थैंक यू, बट फिर भी थैंक यू, प्लीज थैंक यू, दिस इज वॉट वी आर टीचिंग द किड्स, बी काइंड, बी नाइस, बी सॉफ्ट,
कभी आप इसकी ईमेल देखना स्कूल में कैसे लिखती है भाई। मैं जब तक ये पूरी लिख रही हूँ भैया बात पे तो आओ, एक बार मैंने इसको बात पे तो आओ। ये लोग मैंने इसको बोला कि मेरे जरा ईमेल लिख दो, मैं शायद कुछ तबीयत खराब थी कुछ थी, और इसने इतनी रूडली लिखी। मैंने कहा एक्सक्यूज मी गिव मी, मैंने उसको ठीक से करेक्ट किया। मैंने कहा ये मत भेज देना मेरे प्रिंसिपल को, मतलब आई कांट। तो चलिए यही था, आपको बता सकते हैं कि भाई ऐसे ही डील करना पड़ता। आईटी भी देख लीजिए और स्कूल की भी देख लीजिए, कल्चर कितना डिफरेंस है। दे आर मोर रूड एंड वी आर मोर नाइस। नो, वी आर मोर डायरेक्ट। नो भैया, इतना डायरेक्ट मत हो लोगों के कलेश हो जाए। भाई आगे चलो, ये पति पत्नी नहीं है कि बहुत डायरेक्ट स्कूल में डायरेक्ट पत्नी के साथ डायरेक्ट हो ही नहीं सकता, जो होता ही है जो भी है। चलिए इससे पहले हमारा कलेश बढ़ जाए और इस ब्लॉग से आपको आए कुछ सीखने को मिले, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हमने कोशिश जरूर करी। तो प्लीज हमारी एक कोशिश के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। फिर मिलते हैं जल्दी जल्दी, क्या मैं तो रोज ब्लॉग बनाती हूँ, तो प्लीज कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, और कल फ्राइडे भी है तो वी आर मोर एक्साइटेड। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट, जय माता दी। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।